गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं आशीष कुशवाहा आपका एम बाइब पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों तो कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे और नर्वस सिस्टम का पार्ट वन हम कल फिनिश कर चुके हैं अब हम नर्वस सिस्टम का पार्ट टू आज पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम के पार्ट वन में आपने न्यूरोन और नर्व के बारे में जाना मोटरी नर्व सेंसरी नर्व और मिक्स नर्व आपने पढ़ा स्पाइनल नर्व आपने पढ़ा आज हम लोग यहां पर ब्रेन पढ़ने वाले यानी लास्ट जब मैंने लेक्चर फिनिश किया था तो मैंने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम के अंदर हमें सीएनएस और पीएनएस पढ़ना होता है सीएनएस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें ब्रेन पढ़ना है और स्पाइनल कॉर्ड पढ़नी है तो ब्रेन काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो आज हम ब्रेन के ही बारे में पढ़ने वाले हैं और ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तो प्लीज़ इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा ना तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में मिस कर सकते हैं तो इस क्लास को पढ़ने के बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे तो मैं हूं आपका एडुकेटर आपका टीचर आशीष कुशवाहा अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से आप लोगों को साइंस पढ़ाने आ चुका हूं और साइंस में हम लोग पढ़ रहे हैं आज बायोलॉजी में चैप्टर ह्यूमन नर्वस सिस्टम का पार्ट सेकंड क्या पढ़ रहे हैं पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं तो आज जो हमारी क्लास होगी इसमें हम ब्रेन के पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं थ्री पार्ट्स होते हैं उनके बारे में डिटेल में जानेंगे ठीक है और उस थ्री पार्ट में सबसे बड़ा फोरब्रेन होता है मिड ब्रेन होता है, है, है। हाइंड ब्रेन होता है और आज हम सिर्फ फोर ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे मिड ब्रेन द्रेका। द्रेका और हाइंड ब्रेन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फिर फोर ब्रेन के भी थ्री पार्ट्स होते हैं हाइपोथैलेमस थैलेमस और सेरेब्रम अच्छा सेरेब्रम में भी एक लेयर पाई जाती है उसको सेरेब्रम कॉटेक्स पढ़ते हैं है ना तो सेरेब्रम कॉटेक्स को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग किसी भी क्लास को स्टार्ट करने से पहले तीन क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए जिससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल पता चले कि बच्चे ब्रेन के बारे में क्या पढ़कर आए हैं जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन है अगर मैं यहाँ पे बोलूँ सेंटर ऑफ थर्स्ट एंड हंगर यानी भूख प्यास किसके द्वारा कंट्रोल होता है तो ऑप्शन ए कह रहा है सेरेब्रम ऑप्शन बी कह रहा है मेड्यूला ओबलनगाटा और सी ऑप्शन कह रहा है सैरेबलम और डी ऑप्शन कह रहा है हाइपोथैलेमस तो जल्दी से बताइए तो जो बच्चे यहां पर डी आंसर मार्क करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल करेक्ट होंगे आइए इसको सबमिट करते हैं और सॉल्यूशन देखते हैं तो सॉल्यूशन है द हाइपोथैलेमस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर वेरी वेरी क्रूशियल बॉडी टेम्परेचर के लिए हाइपोथैलेमस को जाना जाता है और थर्स्ट हो गया और सेक्स एक्टिविटीज हो गई अराउजल हो गया इन सभी के लिए जो है हाइपोथैलेमस जिम्मेदार है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेलेक्ट वन आउट यानी इन चारों में से आपको जो ऑड है वो सिलेक्ट करना है तो पहला ऑप्शन है सेरेबलम सेकंड ऑप्शन है पोन्स थर्ड ऑप्शन है सेरेब्रम और लास्ट ऑप्शन है मेडुला तो मेरे प्यारे बच्चों सेरेबलम पोन्स और मेडुला ये हाइंड ब्रेन के पार्ट हैं जबकि सेरेब्रम जो है फोर ब्रेन का पार्ट है तो ये अलग हो गया यही हमें यहां पर देखना था तो जो बच्चे सी आंसर मार्क कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल ठीक है आइए सॉल्यूशन देखते हैं द हाइंड ब्रेन मोस्ट ऑफ पार्ट यहां पर देखिए लिखे हुए हैं हाइंड ब्रेन के पार्ट क्या लिखे हुए सेरेबलम लिखे हुए हैं मेडुला लिखा हुआ है और पोन्स लिखा हुआ है और सेरेबलम जो है वो किसका पार्ट बोला गया है फोर ब्रेन का पार्ट बोला गया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हाइपोथेलेमस इज द कोऑर्डिनेट बिटवीन देखिए हाइपोथेलेमस जो होता है वो हमारी बॉडी में सभी ग्लैंड को कंट्रोल करता है अब आप कहेंगे कि सर ये तो अधूरी बात है, लेट। मैं इसको अभी है उनको पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है कंट्रोल करते हैं इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है इसीलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है अब आर बात समझ में तो हाइपोथैलेमस जो है किसके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है ये हमें देखना है तो पहला देखते हैं ऑप्शन ए नर्वस सिस्टम और मसल्स है ना एंडोक्राइन सिस्टम एंड क्रोम ओके नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ओके और डी ऑप्शन है नर्वस सिस्टम एंड कॉन्सियस यानी बॉडी का जो कॉन्सियस स्टेट होता है उसके बारे में तो अभी मैंने बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी की मोस्टली ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है तो यहां पर एंडोक्राइन सिस्टम किसके द्वारा कंट्रोल हो गया हाइपोथैलेमस के द्वारा और नर्वस सिस्टम भी हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल होता है तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर यहां पर सी होगा तो जो भी स्टूडेंट यहां पर सी आंसर लगा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है ठीक है प्यारे बच्चों यहां पर हम लोगों ने तीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस की और यहां पर हमने देखा कि कितने क्वेश्चन के आंसर हमारे राइट आए और कितने क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग आए इससे मुझे मैं आशीष कुशवाहा ये आइडिया लगा पाया हूं कि आज की क्लास में मुझे किस लेवल से किस लेवल तक बच्चों को सिखाना है तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को पार्ट्स ऑफ ब्रेन तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन आप यहां पर एक एनिमेशन देखिए पार्ट्स ऑफ ब्रेन के लिए आपको ज्यादा समझ में आएगा गौर से एनिमेशन देखिएगा ये फोर ब्रेन है मिड ब्रेन है और प्यारे बच्चों हाइंड ब्रेन है तो ब्रेन के तीन हिस्से होते हैं जो आप लोगों ने एनिमेशन में देखे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्री पार्ट्स आप लोगों ने एनिमेशन में देखे और ये ही यहां पर यहां पर मेंशन है तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन कितने होते हैं थ्री टाइप्स के होते हैं फोर ब्रेन मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन ठीक है अब इसके बाद हम लोग यहां पर आज की क्लास में फोर ब्रेन पढ़ेंगे मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे तो चलिए हम फोर ब्रेन से स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने एक थ्री डी एसे दिख रहा है जिसमें आप लोगों को मैंने ब्रेन का क्रॉस सेक्शन दिखाया है तो आप इसमें देख सकते हैं ये फोर ब्रेन है कितना बड़ा हिस्सा है तो अगर हम ब्रेन के तीन पार्ट करते हैं तो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि फोर ब्रेन सबसे ज्यादा मास लेता है सबसे ज्यादा एरिया लेता है सबसे कहने का मतलब इन शॉर्ट सबसे बड़ा होता है फोर तो ब्रेन सबसे बड़ा होता है, 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 है मिड ब्रेन वाला हूं जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो यहां पर क्या लिखा है बिगेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ ब्रेन जैसा कि मैंने आपको बताया इट इंक्लूड हाइपोथैलेमस थैलेमस एंड सेरेब्रम तो फोर ब्रेन के अंदर हमारे तीन और पार्ट हमें पढ़ने हैं जैसे हाइपोथैलेमस पढ़ना है थैलेमस पढ़ना है और सेरेब्रम पढ़ना है हाइपोथैलेमस के साथ साथ हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को भी पढ़ लेंगे और हाइपोथैलेमस के साथ साथ हम लिम्बिक सिस्टम को भी यहां पर पढ़ लेंगे ठीक है तो आइए अब हम मेजर कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं जो हमारे मेजर कॉन्सेप्ट है हाइपोथैलेमस थैलेमस और सेरेबरम तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस ठीक है अब आपको स्क्रीन पर एक थ्री डी एसिड दिख रहा है एक ब्रेन है जिसका मैंने आप लोगों को क्रॉस सेक्शन दिखाया है और आप यहां पर देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस कहां पर हाइपोथैलेमस कुछ इस तरीके से होता है आप देख सकते हैं इधर की तरह थोड़ा पीछे भी होता है इस तरीके से तो हाइपोथैलेमस की लोकेशन ब्रेन में इस साइड होती है अब चलिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में इसके बारे में फैक्ट्स जानते हैं पहला फैक्ट हाइपोथैलेमस होता का ठीक तो नीचे होता होता तो ये होता है हमारा थैलेमस जिसकी लोकेशन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जब थैलेमस पढ़ाऊंगा तो इसकी भी मैं आपको लोकेशन बताऊंगा कि कहां पर ब्रेन में ये मौजूद होता है एंड द अबबिट्रूट्री ग्लैंड पी यानी मटर के साइज की पिट्रुट्री ग्लैंड होते हैं उनके अबब अब होता है ठीक है आ रही है बात समझ में हाइपोथैलेमस स्ट बिलो द थेलेमस एंड अब द पिट्रिट्री ग्लैंड तो हमने इसकी लोकेशन के बारे में जाना आगे क्या लिखा है द हाइपोथैलेमस एक्ट एज द कनेक्टर यानी जो हाइपोथैलेमस है ये एक कनेक्टर की तरीके से काम करता है बिटवीन एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम अभी मैंने आप लोगों को बताया था जब अभी हम प्रैक्टिस कर रहे थे क्वेश्चंस की तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि हाइपोथैलेमस जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम को भी कंट्रोल करता है और नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करता है इसीलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है आगे इट ऑल्सो कंटेन्स सर्वल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स क्योंकि ग्लैंड से जो सीक्रेशन होता है विथ सीक्रेट हॉर्मोन कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन ठीक है इसमें एक हार्मोन हमारा एडीएच है इसके बारे में आज हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस में और देखते हैं क्या है हाइपोथैलेमस कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी टेम्परेचर किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है एग्जाम में बहुत पूछा जाता है हंगर हो गया थ्रस्ट हो गया थकान फैटिक हो गया स्लीप साइकिल जैसे मैं रात में कितने बजे सोता हूँ सुबह कितने बजे उठता हूँ इसको स्लीप साइकिल कहते हैं ये कंट्रोल होता है इमोशंस कंट्रोल होते हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है हार्ट रेट कंट्रोल होता है सेक्सुअल एराउजल कंट्रोल होते हैं चाइल्ड बर्थ कंट्रोल होता है डाइजेस्टिव जूसेस कंट्रोल होते हैं है ना और बॉडी का बैलेंसिंग भी जो बॉडी में बैलेंसिंग फ्लूड होते हैं वो भी कंट्रोल होते हैं तो ये सारे फंक्शन किसके हैं हाइपोथैलेमिस के हैं आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अब हाइपोथैलेमिस की मदद से एक लिम्बिक सिस्टम बनता है आप देख सकते हैं यहां पर ये ऊपर की तरफ थैलेमस है नीचे ये हाइपोथैलेमस पीछे तक है हिप्पो कैंपस है तो और इसके अलावा अब हम यहां पर आप देख सकते हैं एम गाइडला है ठीक है चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं लिम्बिक सिस्टम लिम्बिक सिस्टम हेल्प मेंटेनिंग इंटरनल इंटरनल जो स्थिति होती है हीटिस क्या होता है हीमियोस्टेटिस एक तरीके से समान स्थिति बनाए रखना देखिए क्या होता है देखिए अगर टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है ठीक है हाइपोथैलेमस तो एक तरीके की समान स्थिति इंटरनल ऑर्गन्स में बना के रखेगा कि नहीं करेगा तो इसी को बोला जाता है क्या हीमियोस्टेटिस है ना बाय रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर लेवल ठीक है लिम्बिक सिस्टम ये कंट्रोल करता है इट हैज क्लोज लिंक विद हाइपोथैलेमस यानी जब ये हाइपोथैलेमस के साथ लिंक होता है तो ये टेम्परेचर ब्लड प्रेशर है ना और ब्लड शुगर इन सबको क्या करता है कंट्रोल करता है लेकिन अगर हाइपोथैलेमस से अलग हम इसकी बात करें तो लिम्बिक सिस्टम जो है ये हाइपो से मिलकर बना है और इनके फंक्शन भी मैं आपको बताऊंगा कि हाइपो के फंक्शन क्या है इसके अलावा ये किससे बना है अमिक डला ये किससे बना है अमिक डला से बना है चलिए अब इनके फंक्शन देखते हैं हाइपो का क्या फंक्शन है तो ये लॉन्ग टर्म की मेमोरी को संभालने के काम आता है ठीक है उसको मेंटेन करने के काम आता है हिपो और इसके अलावा एमिक डेला एमिक डिला जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल करने में करता है तो ये बनाता है लिम्बिक सिस्टम ठीक है हाइपोथेलमिस के साथ लिम्बिक सिस्टम और बिना हाइपोथेलिस के साथ लिम्बिक सिस्टम के आपने जो है यहां पर फंक्शन देखे हैं तो आइए बच्चों अब हम हाइपोथेमस यहां पे पढ़ चुके हैं और अब हम यहां पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए तैयार है तो बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमन इज रेगुलेटेड बाय पहला ऑप्शन है दूसरा है दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड डेंड्रन और लास्ट है इसमें स्प्लीन यानी प्लीहा तो अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे फोर ब्रेन में जो हाइपोथेलेमस होता है यही टेम्परेचर को कंट्रोल करता है बिल्कुल जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया है तो यहां पर जो बच्चे आंसर ए मार्क करेंगे उनका आंसर बिल्कुल क्या होगा करेक्ट होगा बिल्कुल आप लोगों के सामने सॉल्यूशन है हाइपोथैलेमस क्या-क्या कंट्रोल करता है ऑलरेडी आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करने की कोशिश करते हैं जैसे अभी हमारी बात हो रही थी हाइपोथैलेमस को लेके कि ये हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है तो उसमें एक एग्जांपल एडीएच है तो एडीएच इज सीक्रेटेड बाय डैश तो यहां पर कुछ ग्लैंड है तो अभी ये क्वेश्चन पढ़ते ही हुए ही आपने देखा होगा कि मैंने आंसर भी एक्सप्लेन कर दिया था जब मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा था तभी मेरे मुंह से क्वेश्चन का आंसर तक निकल गया था तो वो आंसर क्या था वो आंसर था हाइपोथैलेमस एडीएच अच्छा कई बच्चे जानना चाह रहे होंगे कि एडीएच की सर फुल फॉर्म क्या है तो हमने यहां पर सॉल्यूशन में दी है एंटीड्यूरेटिक हॉर्मोन इंक्रीज द वॉटर इन द डिस्टल ट्यूबलेस सॉरी ट्यूब एंड कलेक्टिंग डक्ट इन द किडनी तो ये हो गया हमारा एडीएच और सॉल्यूशन। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने हाइपोथैलेमस पर कवर कर लिया है अब हम लोग क्या कवर करेंगे अब हम लोग यहां पर थैलेमस पढ़ने जा रहे हैं तो ये थ्री डी एसिड देखिए आप थ्री डी एसिड में थैलेमस जो है कहां पर होगा थैलेमस की पोजीशन इस जगह होगी ये जो कि मैंने आपको इससे पहले भी दिखाया था ये होगी किसकी थैलेमस की पोजीशन अभी आपको दिखा होगा थैलेमस देखिए आएगा देखिए इस तरफ ये है थैलेमस बात समझ में आ रही है आप लोगों को तो चलिए आइए थैलेमस के बारे में जानते हैं कि थैलेमस के रिगार्डिंग कौन कौन से फैक्ट हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसकी शेप कैसी होती है एग की तरह होती है और ये लोकेट कहा होता है विद इन ब्रेन लोकेट होता है जस्ट अब, अब ब्रेन स्टेम ब्रेन स्टेम क्या होता है एक तरीके से ब्रिज का काम करता है यानी मिड ब्रेन पोन्स और मेडुला मिलकर एक ब्रेन स्टेम बनाते हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं है ना और किसके बिटवीन होता है ये होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चार लोब होती हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे फ्रंटल सारी लोब्स हम पढ़ेंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स और मिड ब्रेन तो इनके बीच में ये मौजूद होता है ठीक है इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन द सेरेब्रम रैप अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस यानी ये जो सेरेब्रम होता है ये थैलेमस इसके चारों तरफ इस साइड और उस साइड दोनों तरफ होता है विज इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग यानी जो सेंसरी सिग्नल होते हैं और जो मोटर सिग्नल होते हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन के लिए थैलेमस बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है थैलेमस आल्सो प्ले रोल इन स्लीप सोने के तरीके से कितने बजे आप उठते हैं और कॉन्शियसनेस के लिए और यहाँ पे अराउजल के लिए चाहे वो सेक्सुअल हो या अदर अराउजल्स हों और लर्निंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है और मेमरी के लिए रेस्पॉन्सिबल है इतनी बात समझ में आ रही है देखिए सबसे पहली बात कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हाइपोथैलेमस जो काम कर रहा है उसके कुछ वर्क ना थैलेमस से भी जुड़े हुए हैं ऐसा क्यों सेरेब्रम के जो लोब होते हैं वो जो काम कर रहे होते हैं उनके अदर से जुड़े होते हैं तो

तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने थेलेमस के बारे में पढ़ा और अब हम आगे पढ़ने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से रिगार्डिंग हम यहाँ पढ़ेंगे तो चलिए सबसे पहले एक एनिमेशन देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन देखिए कहाँ पर ये मौजूद है आप देख सकते हैं ब्रेन के किस हिस्से में इस पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आप देख सकते हैं कैपलरी हैं जिसमें वेन है और आर्ट्री हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर और यही वो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करती है अदर ग्लैंड जो हमारे शरीर में होती है उनको कंट्रोल करती है जो ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट होते हैं उनको कंट्रोल करती है थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं उनको कंट्रोल करती है यानी हमारी बॉडी से निकलने वाले हार्मोन्स को जो कंट्रोल कर रहे हैं या किसी भी तरीके का एंजाइम है उनको जो कंट्रोल किया जा रहा है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है तो जैसा मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये पी शेप में होती है यानी मटर के दाने की शेप में होती है इसके अलावा

यानी यहाँ पे चार ऑप्शन है और आपको देख के बताना है कि हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट नहीं है तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर थैलेमस है दूसरा सेरेबलम है तीसरा पोन्स वेरोली है और लास्ट है मेड्यूला तो कौन सा आंसर आपका रहेगा जो हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं है तो थैलेमस जो है ये फोर ब्रेन का पार्ट है अभी मैंने आपको जब तीन पार्ट बताए थे फोर ब्रेन के तो वहां पर मैंने आपको बताया था थैलेमस इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन तो द राइट आंसर इज A. तो राइट आंसर ए तो जितने भी बच्चों ने यहां पर ए मार्क किया उनका आंसर बिल्कुल यहां पर ठीक आएगा और यही यहां पर सॉल्यूशन में मेंशन है. एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं और क्वेश्चन क्या है ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन टू बी रजिस्टर्ड बाय द फोर बैन मस्ट पास बाय द ऑप्शन क्या है ऑप्शन है थैलेमस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम सैरेबलम एंड पोन्स तो ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है और मोटरी इन्फॉर्मेशन होती है मैंने अभी आप लोगों को बताया है ये किसके थ्रू जाती हैं थैलेमस के द्वारा ट्रांसफर होती हैं सैरेबलम से जो है मैं कहूँगा फोर ब्रेन से हाइंड ब्रेन की तरफ जाती हैं तो यहां पर जो बच्चे ए आंसर लगाएंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा बिल्कुल ठीक होगा तो ये है सॉल्यूशन आप देख सकते हैं द थैलेमस इज अ लार्ज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर अराउंड विच द सेरे चारों होता है। brain, कि मैंने बताया, ठीक है? तो यही मैंने आप लोगों को बताया है कि थैलेमस क्या करता है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं और वही यहां पर सॉल्यूशन में मौजूद भी है तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पर हाइपोथैलेमस पढ़ चुके हैं थैलेमस पढ़ चुके हैं तो अब बारी किसकी आती है अब बारी आती है सेरेब्रम की पढ़ने की तो सेरेब्रम जो होता है वो फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और सेरेब्रम में लोब होते हैं चार तरीके के यानी फोर टाइप्स के लोब होते हैं जो यहां पर मेंशन है लेकिन आज हम इन लोब्स को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में ये फ्रंटल लोब टेम्पोरल लोब ये हम लोग चारों के चारों लोभ जो है फोर लोब्स को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं फिलहाल हम यहां पर सेरेब्रम के बारे में पढ़ेंगे कि सेरेब्रम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है इवन टू थर्ड ये कवर कर रहा होता है यानी ह्यूमन ब्रेन का जो मास होता है अप्रोक्सिमेटली वन पॉइंट थ्री सिक्स के जी कुछ होता है समथिंग उस मास का टू थर्ड इन्हीं के पास होता है सेरेब्रम के पास ही होता है ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए सेरेब्रम जो है डिवाइड होता है अगर मैं इसको आपको मूव करके दिखाऊं आप देख सकते हैं यहां पर इस तरीके से तो आप देखिए ये आपको एक लाइन दिख रही होगी यहाँ पर तो ये सेरेब्रम क्या हो रहा है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है दो इक्वल पार्ट्स में है ना टू इक्वल हॉब्स में ये क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है तो चलिए आगे देखते हैं इसको मैंने आपको एसेट में दिखाया है. तो सेरेब्रम इज डिवाइड इंटू टू सिमेट्रिकल हॉब्स कॉल्ड सेरेब्रल हैमी इनको क्या बोलेंगे सेरेब्रल हैमीस्फेयर बोलेंगे द हेमी आर कनेक्टेड बाय अट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर यानी अगर मैं बात करूं यहां पर इसकी इसको एक बार और मूव करता हूं तो ये जब आपस में कनेक्ट होते हैं ये जो आपस में कनेक्ट होते हैं ये नर्व फाइबर के द्वारा कनेक्ट होते हैं किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं बाया नर्व फाइबर जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है और इन नर्व फाइबर्स को नाम क्या दिया जाता है जल्दी से बताइए कॉर्पस क्लोसम ये आप लोगों को याद रखना है कॉर्पस क्लोसम इसको नाम दिया जाता है नर्व फाइबर्स को जिससे ये दोनों हेमिसफेयर क्या होते हैं कनेक्ट होते हैं द लेयर ऑफ सेल विच कवर दैरेबरल हैमीस्फेयर इज कॉल्ड सेरेबर कॉर्टेक्स यानी ये जो चार लोब हैं फ्रंटल लोब ऑक्सीपिटल लोब टेम्पोरल लोब ये सब लोब जो होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं किसके सेरेबरल कॉर्टेक्स ठीक है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे आगे ये जो सेरेब्रम होता है इसका क्या फंक्शन होता है ये किस किस को कंट्रोल करता है वो हम देख लेते हैं सेरेब्रम कंट्रोल करता है इमोशंस को हियरिंग को विजन को पर्सनैलिटी को और भी बहुत सारे जैसे अगर हम बोलेंगे ऑडिटरी को विजुअल को है ना लॉजिक को रीजनिंग को जजमेंट को मतलब काफ़ी सारे अगर मैं यहाँ पर बोलूँ इमोशन और बिहेवियर जो है यहाँ पर कंट्रोल होते हैं सेरेब्रम के द्वारा ठीक इतनी बात समझ में आई नेक्स्ट क्लास जब होगी तो ये आपको लोभ जो है चार ये डिटेल में पढ़ाई जाएंगे तो अब हम यहां पर सेरेब्रम पर आए हुए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन क्या है इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन तो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जैसा कि मैंने बोला कि ये जो सेरेब्रम होता है ये टू थर्ड पार्ट ही होता है ब्रेन का तो ऑप्शन में पोन्स है सेरेब्रम है और सेरेबलम है नन ऑफ दीस तो आप क्या बोलेंगे सर आपका आंसर होगा सेरेब्रम जो अभी हमने पढ़ाई की है ठीक है सबमिट करते हैं इसको ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर क्या सेरेब्रल इज द सेंटर ऑफ डैश तो आप इनमें से ऑप्शन देखिए कि ये जो सेरेब्रल है सॉरी माफ कीजिएगा सेरेब्रल है इसका कार्य क्या क्या है ये किस किस को कंट्रोल करता है ये हमें ऑप्शन से देखना है थिंकिंग विल पावर या फिर रीजनिंग विल पावर वही हो गया जजमेंट हो गया रीजनिंग एक तरीके से लॉजिक हो गया तो अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो सेरेब्रम होता है इसके जो दो हिस्से होते हैं टू हॉब्स होते हैं इनमें क्या होता है एक इन दोनों को कंसीडर करके क्या बनता है एक बनता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स और ये जो चार लोब होते हैं ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स का ही हिस्सा होते हैं और ये चारों फंक्शन इसको कंट्रोल करते हैं तो जो बच्चे यहां पर डी आंसर लगाएंगे उनका आंसर क्या है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल करेक्ट है डी आंसर अगर आप मार्क कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या है बिल्कुल करेक्ट है तो देखिए जो एक्सप्लेनेशन मैंने समझाई है वो यहां पर लिखी हुई है ऑफ़ द ब्रेन कंट्रोल मसल्स फंक्शन रीजनिंग स्पीच थॉट इमोशंस विल पावर रीडिंग राइटिंग लर्निंग एज ऑन बहुत सारे फंक्शन कंट्रोल होते हैं थर्ड क्वेश्चन है आर मेमरी वीकेंस इफ विच द फॉलोइंग पार्ट इज इंजर्ड ओके यानी मान लीजिए किसी को के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पर्टिकुलर एक ब्रेन का पार्ट अगर इंजर्ड हो जाता है तो मेमोरी लॉस होने के कारण कहां से बनते हैं? मतलब मेमोरी वीक हो जाए या मेमोरी लॉस हो जाए तो मेड्यूला सेरेब्रम सेरेबलम या फिर हाइपोथैलेमस तो ये जो मेमरी होती है जिसको हम यादाश्त कहते हैं ये कहाँ से कंट्रोल होता है ये कंट्रोल होता है सेरेब्रम के द्वारा ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है सेरेब्रम सेरेब्रम कंट्रोल करता है मेमोरी वाले फंक्शंस को तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द सेरेब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन डिवाइडेड इनटू टू हैमी स्पेयर द सेरेब्रम कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट स्पीच इंटेलिजेंस जैसा मैंने बोला ना रीजनिंग बोला लॉजिक बोला उसके अंदर इंटेलिजेंस आ जाता है मेमरी हो गया इमोशंस हो गए और ये सारे फंक्शन जो है सेरेब्रम के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है इसको जल्दी से हम लोग समराइज करते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा है आपको पूरा बोर्ड दिखेगा यहाँ पर मैं हट जाऊंगा तो सबसे पहले हमने पार्ट ऑफ ब्रेन पढ़े इसके तीन पार्ट होते हैं फोर ब्रेन मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन फिर हमने ये पढ़ा कि जो फोर ब्रेन होता है ये सबसे बड़ा पार्ट होता है और इसके भी तीन पार्ट होते हैं हाइपोथैलेमस थैलेमस और सेरेब्रम ये पढ़ा फिर हमने इन तीनों पार्ट की स्टडी की हाइपोथैलेमस से स्टार्ट किया हाइपोथैलेमस की लोकेशन हमने देखी कहाँ पर होती है और हमने हाइपोथेलस को ये भी देखा कि हाइपोथेलस एक कनेक्टर का, का काम करता है जो कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है इसके अलावा हमने हाइपोथेलस के कुछ और फंक्शन देखे जैसे टेम्परेचर कंट्रोल करना इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं हंगर पे है ना थ्रस्ट पर स्लीप पर ये सारे फंक्शन किसके हाइपोथैलेमस के हैं जो कि कंट्रोल किए जाते हैं तो इन पर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इसके अदर हमने और क्या आज स्टडी की है इसके अदर हमने हाइपोथेमस के बारे में और क्या जाना है हमने लिम्बिक सिस्टम के बारे में जाना है ये जो लिम्बिक सिस्टम होता है हाइपोथेलमिस के साथ अगर बोला जाए तो ये क्या करता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है लेकिन बिसाइड्स हाइपोथेलमस की बात करें तो लिम्बिक सिस्टम जो है ये हिप्पो कैंपस से मिलकर बना है आप देख सकते हैं और किससे बना है एमेगला से बना है यहाँ पर एमेगला से बना है हाइपोथैलेमस क्या करता है इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में है ना और इसके अलावा एमेगला जो है ये क्या करता है ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इमोशनल बिहेवियर में फिर हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जाना कि ये मटर के दाने के साइज़ की होती है पी आकार की होती है और इसी को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है एंडोक्राइन सिस्टम का हमने आज की क्लास में यह सारी बातें सीखी हैं और क्या क्या हम लोगों ने आज की क्लास में सीखा है हम लोग देख लेते हैं पर हमने थैलेमस पढ़ा आज हमने देखा कि थैलेमस जो है इसका साइज कुछ अंडे की तरह होता है एग की तरह होता है और ये ब्रेन में ही लोकेट होता है, है ना सेरेब्रल कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स और मिड ब्रेन के बीच में ये लोकेट होता है द सेरेब्रम रैप अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस यानी जो सेरेब्रम होता है वो थैलेमस के द्वारा रैप होता है ये हमने पढ़ा और ये एक मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है जहां से मोटर और सेंसरी सिग्नल पास होते हैं इसके अलावा थैलेमस क्या करता है हमारी स्लीप है ना कॉन्शियसनेस अराउजल लर्निंग मेमोरी इन सब को क्या करता है कंट्रोल करता है और फिर हमने फोर ब्रेन का लास्ट पार्ट पढ़ा जो कि था सेरेब्रम तो फोर ब्रेन का हाइपोथैलेमस हमने पढ़ा थैलेमस पढ़ा और लास्ट पार्ट हमने सेरेब्रम पढ़ा और हमने ये जाना कि जो सेरेब्रम होता है ये टू थर्ड मास जो है ब्रेन का कवर करता है यानी ये भी फोर ब्रेन में सबसे बड़ा होता है ये हमने जाना आज की क्लास में इसके अलावा सेरेब्रम को जो है टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ये जो होते हैं सिमेट्रिकल होब्स होते हैं यानी बराबर बराबर बांटे जाते हैं ये हमने जाना है और जब इन्हें बांटा जाता है तो इनको क्या नाम दिया जाता है इनको नाम दिया जाता है सेरिब्रल हेमिस्फेयर इनको क्या नाम दिया जाता है सेरिब्रल हेमीस्फेर ठीक है और ये जो हैमिस्फेयर होते हैं दोनों ये कनेक्ट होते हैं एक ट्रैक के द्वारा और वो ट्रैक बनती है नर्व फाइबर की और इसी नर्व फाइबर को नाम क्या दिया गया है जल्दी से बताइए कमेंट में इस नर्व फाइबर को नाम दिया गया है कॉर्पस कॉलसम है ना क्लोसम इसको क्या नाम दिया गया है कॉर्पस क्लोसम और हमने क्या पढ़ा द लेयर ऑफ सेल विच कवर सेरेबरल में हम नेक्स्ट क्लास में लोब जो है इसके चार लोब जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे द सेरेबरल कंट्रोल इमोशंस हियरिंग विजन पर्सनैलिटी मच मोर ठीक है एंड वॉलेंट्री एक्शन तो ये सारी डिटेल आज हमने यहाँ पर समरी में हम देख सकते हैं जो हमने पढ़ी थी तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास ये यहीं पर फिनिश होती है और अब मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है मैं आप लोगों का आंसर जरूर चेक करूंगा और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ये जो फोर लोब्स हैं जो सेरेबरल कॉर्टेक्स के हैं ये पढ़कर आने हैं और इसके साथ साथ आप लोगों को मिड ब्रेन भी पढ़कर आना है ब्रेन स्टेम भी पढ़कर आना है तो ये सारे टॉपिक यानी जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ इनके बारे में पढ़कर आना है तो बाय बाय टेक केयर जय हिंद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अब होगी आपकी नेक्स्ट क्लास की बेन बाई बिलीव इन यू